नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस. इंडस्ट्रियल सिकनेस भी इंडिया में राइज कर रही है. जो कई लार्ज यूनिट्स हैं, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो सिक डिक्लेयर हो चुकी हैं और ये यूनिट्स रीपे नहीं कर पाती हैं अपने लोन्स इंटरेस्ट टाइम पर, इसीलिए इन्हें सिक यूनिट्स कहा जाता है. ये जो प्रोविडेंट फंड है वो नहीं पे कर पाती है अपने लेबरर्स को. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स. जैसे जो एक्यूमुलेटेड अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, सेल नहीं हुई है आउटपुट की, अंडर यूटिलाइजेशन है प्रोडक्शन कैपेसिटी का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, पुअर क्वालिटी है प्रोडक्शन की, हाई कॉस्ट है प्रोडक्शन की, जो आपका कंपटीशन है डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेक्टर जैसे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स. देन नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स. इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत पीछे है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें फेस करनी पड़ती है एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क. उन्हें परमिशंस ऑब्टेन करनी पड़ती है बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज की वजह से डिले होता है, इनकन्वीनियंस होता है, उसकी वजह से करप्शन प्रमोट होती है, रेड टेपिज्म होता है. जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो हेजिटेट करती हैं इन कंट्रीज में एंटर करना जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है. देन नेक्स्ट इज रिजिड लेबर लॉज. जो लेबर रेगुलेशंस एक्ट्स हैं वो रिजिड हैं, हर्डल क्रिएट करते हैं इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स. तो डिफिकल्ट है एम्प्लॉयर के लिए रिट्रेंच करना इनएफिशिएंट, इनडिसिप्लिन्ड और सरप्लस एम्प्लॉयज को अगर एक बार उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह अपॉइंट कर लिया गया है. और मल्टीपल लेबर लॉज हैं जिनका जो कंप्लायंस है इन लॉ का वो बहुत डिफिकल्ट है. देन नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. बैड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स जो हैं वो हैम्पर करते हैं पेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को. जो स्ट्राइक्स हैं, लॉकआउट्स हैं, रेगुलर फीचर है इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, और इसकी वजह से मैन डेज के जो हैं लॉस होता है, फॉल इन प्रोडक्शन होता है, फॉल इन प्रॉफिट सेक्टर जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो जनरेट होती हैं. और ये सब चीज़ें आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करती हैं. अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो जो वर्कर्स हैं वो रिजिस्ट करेंगे इनोवेटिव चेंजेस को जो एम्प्लॉयर इंट्रोड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. बहुत सारे जो पीएससीज हैं वो इनएफिशिएंट हैं अपनी वर्किंग में. कई एंटरप्राइजेस तो लॉसेस में रन कर रहे हैं और उसके सेवरल रीजंस हैं इनएफिशिएंसी के पीएससीज के, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट एंड इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ, अनइकोनॉमिक प्राइस पॉलिसी एसेट्रा. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हर्डल क्रिएट करती है इन दी ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे अगर रूलिंग पार्टी में तो अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा. फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज में और जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्लान्स नहीं बना सकती. फॉरेन कंपनीज हेजिटेट करती हैं इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने से. देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इंडिया में लोग हेजिटेट करते हैं टू इन्वेस्ट इन रिस्की वेंचर्स. लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है अमंग पीपल. प्रेफर करते हैं वर्क करना एज एम्प्लॉयज रादर देन स्टार्टिंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है. वो ज्यादा सिक्योर फील करते हैं एज एम्प्लॉयज जहाँ पर उन्हें फिक्स्ड इनकम मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. नेक्स्ट इज पुअर ग्लोबल इमेज. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का उसकी जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत बुरी है. तो ड्यू टू पुअर क्वालिटी, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट करते हैं, पुअर टेक्नोलॉजी जो है एसेट्रा जैसी जो चीज़ें हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और पुअर अगर ग्लोबल इमेज है तो ये डिफ़िकल्ट बना देता है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कि उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले. देन नेक्स्ट इज योर लेस मोबिलिटी अमंग वर्कफोर्स. जो इंडियन वर्कफोर्स है वो लेस मोबाइल है. प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है इन केस ऑफ वेमेन एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज रूरल एरियाज को जो बिलोंग करते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबरर्स. और जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है जहाँ वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो वर्कर्स हैं वो फार ऑफ प्लेसेस में रहते हैं, वो रेडी नहीं है शिफ्ट करने के लिए उधर. वुमेन वर्कर्स हेजिटेट करती हैं शिफ्ट में काम करने से क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सोशल सेटअप जो है वो रिजिड है.
इसके अलावा अदर चैलेंजेस हैं जैसे कॉस्टली लैंड, लैंड बहुत कॉस्टली है इंडिया में, जो प्रोसीजर है एक्वायर करने का लैंड वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है 2013 का उसे ले डाउन किया गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है एक्वायर करने के लिए लैंड को। गवर्नमेंट ने डेवलप किए सेज नेम्स इंडस्ट्रियल पार्क एक्सेट्रा जो लैंड अवेलेबल करवाएंगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, लेकिन जो कॉस्ट है लैंड की इन जोन्स में वो बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट इज हाई टैक्स रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो लोकेट करती है इंडिया में वो फेस करती है टैक्स एट हायर रेट्स इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना, मलेशिया, थाईलैंड एक्सेट्रा, तो जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्ट करता है एज डिसइंसेंटिव फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। देन मेड इन चाइना कैंपेन, गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी रन कर रही है मेड इन चाइना कैंपेन अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स जब प्लान कर रहा है कि वो कहाँ लोकेट करे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, कौन से नेशंस में करे, तो वो कंपैरिजन करेगा इंडिया और चाइना का। देन पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन ड्यू टू बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जो मैथड ऑफ प्रोडक्शन है कई इंडस्ट्रीज यूज करती हैं वो आउटडेटेड है, और जिसकी वजह से पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो जो ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्हें डिफिकल्टी होती है इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। द नेक्स्ट इज लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, एंट्री फॉरेन एंटरप्राइजेस की इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइज कर दी गई थी 1991 में, तो इन मेनी एरियाज जो MNCs हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं इंडिया में, और इंडियन इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो डिफिकल्ट फाइंड करती हैं अपने आप को इस सिचुएशन में कि वो MNCs के साथ कम्पीट नहीं कर सकती और उन्हें बंद होना पड़ता है। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाओगे बिग टाउन्स और सिटीज में तो वो पॉल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को, इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंस्टॉल भी नहीं करती हैं पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स बोथ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन बढ़ाती हैं जिससे बहुत सारे डिजीज का बर्थ होता है और जो हार्मफुल है ऑल लिविंग क्रिएचर्स के लिए। तो ये थी प्रॉब्लम्स इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका सजेशंस क्या है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ये प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या सजेशंस हैं टू जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या जो सजेशंस है। सबसे पहला है हमारा प्रमोटिंग एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्जेंट नीड है प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन की ताकि जो बिजनेस यूनिट है उसे इजीली सेटअप किया जा सके, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क को मिनिमाइज किया जाए, सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लियरेंस को प्रमोट किया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए अगेंस्ट करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट को ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, ये इनकरेज करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को जो प्राइवेट सेक्टर में है कि वह एस्टैब्लिश करे न्यू इंडस्ट्रीज, एक्सपैंड करे जो उसकी पुरानी इंडस्ट्री है, और प्राइवेट सेक्टर को स्पेशल असिस्टेंस मिलनी चाहिए रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए। देन इनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी, एक्यूट शॉर्टेज है कैपिटल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इंडिया में, और ये जो डेफिशिएंसी है उसे आप ठीक कर सकते हो बाय इनकरेजिंग फॉरेन कैपिटल ऑन फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन, इससे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो फैसिलिटेट होगी, जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ फॉरेन कोऑपरेशन के साथ वो यूज़ करेंगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, न्यू एंड रिस्की इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगी, जो सेक्टोरल कैप्स है सेक्टोरल लिमिट्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की उसे इंक्रीज किया जाना चाहिए, ऑटोमेटिक रूट ऑफ FDI को प्रमोट किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज इनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़रूरत है कैपिटल फॉर्मेशन की एट अ हायर रेट, और कैपिटल फॉर्मेशन को इनकरेज करने के लिए जो सर्टेन फैसिलिटीज हैं उन्हें एक्सटेंड किया जाना चाहिए जैसे एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, न्यू इंडस्ट्रीज को टैक्स हॉलीडेज दीजिए आप कुछ ईयर्स के लिए, कैपिटल सब्सिडी को देना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिस्की वेंचर्स। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो रेट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का उसे इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मींस ऑफ कम्युनिकेशन पावर ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे, और इनको डेवलप करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट जो है वो
जरूरी होती है, दोनों की हेल्प लेनी चाहिए। जो फॉरेन कैपिटल है उसे इनवाइट करना चाहिए इस पर्पस के लिए। द नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स। जो मॉडर्न मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स हैं, नेसेसरी रॉ मटेरियल्स हैं, उनके इंपोर्ट को लिबरलाइज किया जाना चाहिए। जो बैंक्स हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैं, वो एडवांस करें लॉन्ग टर्म लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द परचेज ऑफ मशीन्स। द नेक्स्ट इज लेबर रिफॉर्म्स। जो लेबर लेजिस्लेशन हैं उनमें रिफॉर्म होने चाहिए इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर ऑल्सो। जो सैलरी है वो लिंक्ड होनी चाहिए वर्क परफॉर्मेंस के साथ। जो रूल्स है रिगार्डिंग ले ऑफ ऑफ सरप्लस वर्कफोर्स वो लिबरलाइज्ड होने चाहिए। क्लियर प्रोविजंस होने चाहिए रिट्रेंचमेंट ऑफ इनएफिशिएंट एंड इनडिसिप्लिनड वर्कर्स के लिए। जो नंबर ऑफ लेबर लेजिस्लेशन है वो कम होने चाहिए। देन फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट प्रमोट करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को टेक्नोलॉजी कल अपग्रेडेशन के लिए, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हेल्प करेगा इन इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो एफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर की उसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए। जो बेसिक गुड इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी एक्सेट्रा, इन्हें और ज़्यादा डेवलप किया जाना चाहिए और ज़्यादा एफिशिएंटली डेवलप किया जाना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द राइट डायरेक्शन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है कंट्री की उसे भी एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। देन रेगुलर पावर सप्लाई। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो उनको इंश्योर किया जाना चाहिए कि रेगुलर सप्लाई मिले फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इससे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी का वो पॉसिबल हो पाएगा। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए, और जब आप प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे तो जो इसका बेनिफिट है वो मिलेगा इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडिया रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन प्रॉपरली डेवलप्ड वो चीज़ नहीं है। तो इनकी डेवलपमेंट हेल्प करेगी इन एस्टैब्लिशिंग सेवरल न्यू इंडस्ट्रीज। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक नेम्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स। गवर्नमेंट को सेटअप करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, ताकि अट्रैक्ट किया जा सके डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप किया जाना चाहिए इन पार्क्स, जोन्स और क्लस्टर्स में। देन कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की, उसे चेक करने के लिए स्पेशल मेजर्स लिए जाने चाहिए, जैसे इंस्टॉलेशन करना पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स की, रिप्लेस करना नई पुरानी मशीन्स को नई मशीन्स के साथ, शिफ्ट करना लोकेशंस फैक्ट्रीज की फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज टू इंडस्ट्रियल एरियाज, प्रमोट करना R&D एफर्ट्स को, इनोवेशन जो आप कर रहे हो मशीन्स में जो कॉज करे लेस पॉल्यूशन उसके लिए। इसके अलावा अदर सजेशंस जैसे डेवलपमेंट करना एग्रो इंडस्ट्रीज की, कई इंडस्ट्रीज जैसे शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट एक्सेट्रा हैं, वो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पर अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो जो एग्रीकल्चर है उसे डेवलप किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट उन इंडस्ट्रीज की जानी चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। स्पेशल एफर्ट्स की जानी चाहिए इन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जहाँ पर आपको ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल मिल रहा है, और ये प्रमोट करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में और अनेबल करेगा कि आप फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सके। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस भी एसेंशियल प्रीरिक्विजिट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मैनेजेरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो ये ज़रूरी है कि जो इंस्टीट्यूशंस जो इम्पार्ट कर रहे हैं मैनेजेरियल एंड टेक्निकल एजुकेशन, उन्हें लार्ज स्केल पर खोला जाए। एबल मैनेजर्स और क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो हैं वो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इंडिया के पास पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कंट्री की है वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।